इतने लोग हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे लोग यहाँ पे इतनी लाइन लग जाएगी। आपकी भतीजी है ना वो, हाँ। उसकी बहुत हंसी खुशी से शादी होगी, आप इस चीज की चिंता मत करो, आप रो मत। आप दो दिन बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा आपके परिवार के पास। देखिए इस परिवार की हालत आप देख सकते हैं, इस घर में शादी है और रो मत। माता जी इधर आओ, आपके घर में शादी है, आप लोग रो रहे हो, रो मत। क्या लगते हो आप इसमें? बुआ जी, आपके भाई है इकरामुद्दीन? हाँ, भाई है। आप कौन से शादी है जिनका परिवार इतना बड़ा है? देखिए चार पांच सदस्य ये बैठे हैं और भी इनका सदस्य है जो अंदर है। हर घर में खुशी होती है लेकिन इनके आंखों में आंसू आप देखेंगे तो, इधर इनके परिवार के जो भी लोग आए इनके परिवार के लोगों में आंसू है। एक बार उनसे हम आपको मिलवाएंगे, इनके घर की आपको दास्ता दिखाएंगे। साथियों इस घर में 12 तारीख को शादी होने वाली है और इस घर की आप हालत देख सकते हैं। क्या नाम? रोमत। क्या नाम आप? मुमताज। रोमत आप रो क्यों रहे हो? विश्वास है? हाँ विश्वास है। अच्छा तो क्या बचाऊंगा? मैं क्या बचाऊंगा, मेरी बेटी बाकी भी बेटी है जो मदद कर दी तो कर दी। मेरी बेटी को वीडियो देख रही, अच्छी बेटी है। सारा मार खन सारो तो जना ने क्या कतर करताया, नहीं बार कर देता मार सब्जी का जुगाड़ को ना चून का जुगाड़ को तो क्या करा कर दिया। अभी कोई सामान को ले आएगी नहीं, कुछ भी सामान को ले। 12 तारीख की शादी है, 5 दिन को समय सब कुछ भी को ले। क्यों को ले? किसाई को नहीं। इस बहन को आप अपनी बहन मानेंगे, बड़े बुजुर्ग है वो अपनी बेटी मानेंगे और ये साबित कर दोगे जिसका कोई नहीं है रुखवाला उसकी हम है रुखवाले करता है। लेकिन ये कह रहे भी हम गांव में भी गए हैं, लोगों ने कहीं कोई सहारा भी नहीं दिया, मजबूर हो गए, बेबस हो गए। साथियों ऐसी पीड़ा देखकर आपका भी तो दिल झकझोरता होगा। सबकी शादी है 12 तारीख की। 12 तारीख की, देखो 12 की शादी है, अभी 5 दिन को समय है, अभी तो मतलब घर से तो एक लगा कि गरीब आदमी कि शकन जाएगा में कोई ना शकन बेड़ा कोई दिया कोई कोई जल थाने बुलाए वो शायद गधा गाड़ी बाऊ जो कोई सामान गाल दे और अगले उतार दे तो सौपता दे। अच्छा नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुरवाटी उपखंड के ग्राम पंचायत बजावा में इस वक्त मैं आया हूं और देखिए लगातार चुनावी सरगर्मियों की जो चर्चा है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसे परिवार की दास्ता आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिस परिवार के बारे में देखिए किसी के घर में भी शादी अगर होती है तो एक अलग खुशी होती है, पूरा परिवार खुश होता है, रिश्तेदार खुश होते हैं। और वहीं एक ऐसे परिवार से मैं आपको मिलाने के लिए जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी तो तय कर दी है लेकिन शादी तय करने के बाद उनके सामने समस्या आ गई है कि अब मैं करूँ तो कैसे शादी करूँ, बेबस मजबूर और लाचार वो हो गया है। और उसके बाद उन्होंने मीडिया को खोजा कि भाई कैसे भी कैसे करके अगर कोई सहायता हो जाए तो मैं मेरी बच्ची के पीले हाथ कर दूं। हर एक माँ बाप चाहता है कि मैं पूरी खुशी मेरे परिवार को दूं, मेरे बच्चों को दूं और मेरी बच्ची की शादी करूं तो मैं वो तमाम खुशियाँ दूं जिनकी वो हकदार है। लेकिन जब मजबूरी हो जाती है तो इंसान कुछ कर नहीं पाता है और फिर सारा ढूंढता तो आप जैसे लोगों का ढूंढता है क्योंकि आप जैसे लोग इतने नेक हैं, भामाशाह हैं कि आप अगर कैसी ऐसी कोई भी पीड़ा देखते हैं तो उस पीड़ा पर आप जरूर से जरूर उस परिवार का आप सहारा बनते हैं। आज से पहले भी मैंने काफ़ी मुहिम उठाई है और आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने ऐसे ऐसे परिवारों में खुशियां दी है जो परिवार कभी कल्पना नहीं कर सकता। 15 दिन में 20-20 लाख रुपए की सहायता आप लोगों ने की है। आज ऐसे ही परिवार से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं जिस परिवार में आने वाली 12 तारीख को शादी, आज 7 तारीख हो गई है। और देखिए शादी से 10-15 दिन पहले बहुत खुशियाँ हो जाती है, सब लोग आते हैं और एक अलग माहौल होता है लेकिन आज उस घर में फिर वो का वो सन्नाटा है। सन्नाटा क्यों है? उसका कारण ये है कि परिवार के पास आर्थिक स्थिति उनकी इतनी कमजोर है, खराब है कि वो चिंता में पड़ गया कि भाई अब पीले हाथ करे तो कैसे करे। साथियों इस वीडियो को बगैर स्किप किए आप पूरा देखना, ये वो परिवार है आप देख सकते हैं। पहले तो परिवार की घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी और इनका जो जीविकोपार्जन का जो साधन है वो आप देख सकते हैं। ये इनका जीविकोपार्जन का साधन है, इससे जो कुछ कमाते हैं वो खाते हैं। लेकिन परिवार भी आप देख रहे हैं कि परिवार बड़ा कुछ में हमें नजर आ रहा है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमाई से कैसे ये घर चलता होगा। पूरी बातचीत करेंगे एक बार, तो आओ देखिए ये वो परिवार है। पहले एक बार परिवार से मिला के नाम बताओ। इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन जी, इकरामुद्दीन जी यो कह ले मिला की समस्या है? या बचपन में की दिक्कत? पोलियो हो गया। पोलियो हो गया, चाल कौन पाओ ना कम किसी चाल पाओ इसी तो
और मतलब अभी समस्या क्या आ रही है? समस्या है भाई की शादी करो, जो कोई सारो लाग जा तो कर जा। कब की शादी है साहब? 12 तारीख की। 12 की शादी है, अभी 5 दिन को समय है। अभी तो मतलब घर के बाहर तो एकला लगा के गरीब आदमी की शकन जाया गांव में कोई ना तो शकन बेटा को दिया तो कोई जंजर का बुलाए बस आए काओ जाता। तो कितना के रुपए कमा लेते हैं? कितना गले 100 या 200 300 70 रुपए कमा। और बिसु तो घर ही कौन चलता होगा सर? 100 कमा कोई को धारा दे दे, कोई तमाश दे देना काम चल जाए। आइए गदा गाड़ी में कतो काम चल। तो थारे धर्मपत्नी घर को काम करे ना? कोई कोई करे बोली है, एकदम बोली है। अच्छा भाई बोला है? भाई बोली है। और माताजी? माताजी आंदी है। अच्छा देखो भाई आपकी स्थिति देख रहे थे, एक बार तरस आ जाए अपन कि माताजी ही बूढ़ी माई बाप ही आंखें देख उन पर आके धर्मपत्नी ही बता रहे कि भाई थोड़ा मजबूत ही बोड़ोपन नाम है जिसके कारण सु मतलब ये भी कोई इतनो सारो है कोनी परिवार को। एक बार ये माताजी यहां से बात करांगा। माताजी राम राम। ये नाम है थारो? ललता। दिखे कोने के माता जी का? तो अब के प्रोग्राम है घर में? के प्रोग्राम आप थे देख लो क्या का प्रोग्राम हमारा? नहीं शादी है की तेरे पोती की? हाँ। कद की है माता जी? 12 तारीख। के की व्यवस्था होगी घर में? माले क्या की कौन मार कौन? कोई व्यवस्था कौन? पैसी पीड़ा हाथ करोगे? दात की दूध की के करा तो मासा दाने मार को नहीं जोगाड़ो तो जाना कद कर देता घर में पूरन कैसे चलाओ साहब? ठीक रहा चलाने पड़े आधा तो मैं कंट्रोल है यूं मिलते बाव काम कर लेते हैं ऐसा बड़ा एक टाइम सब्जी बनाओ है एक टाइम एक टाइम बना लिया तो दोनों टाइम खाना आ तो बाव बावड़ी ताकत तो जा घर में कुछ ही काट ले जाओ था ये कौन देर का ये बच्ची है? देखो ये एक बार बच्ची है, इस बच्ची से हम बातचीत करेंगे। देखिए आप परिवार की स्थिति देख करके अंदाजा लगा सकते हैं भाई हर कोई खुशी चाहता है और अच्छे से अच्छे। देखो शादी का एक जब ये उत्सव आता है तो हर एक घर में चाहे कर्जा हो जाए माँ बाप को लेकिन वो अच्छे से करने की व्यवस्था करनी। कह रहे भी हम गांव में भी गए हैं, लोगों ने कहीं कोई सहारा भी नहीं दिया, मजबूर हो गए, बेबस हो गए। साथियों ऐसी पीड़ा देखकर आपका भी तो दिल जोड़ता होगा। एक बार इस बेटी से बात करते हैं। क्या नाम? मुस्कान। कितनी उम्र हो गई आपकी? 18 साल। अच्छा इससे पहले आप पढ़ते थे क्या? क्या करते? पढ़ाई कौन करे? क्यों कौन करे पढ़ाई थे? बन गई सारा तो मतलब पैसा का कारण थे पढ़ाई भी कौन कर पाया? पापा की स्थिति खराब है। हाँ। मजदूरी करता है? गदा गाड़ी। तो भी थे भी पहला तो आपको सारो बटा रहे लेकिन अब थे भी चला जाओगे ना घर को आके भी समस्या आ जाएगी। अभी पहले तो ये बताओ कि भाई ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं इन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये तो बात है। हाँ। अभी कोई सामान कौन ले आया क्या? कुछ भी सामान कौन ले आया? 12 तारीख की शादी है, 5 दिन को समय कुछ भी कौन ले आया? क्यों कौन ले आया? ईसाई को नहीं क्या कला तो कैसी व्यवस्था करोगे? ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप पर थाने विश्वास है कि भाई थारी सहायता करेंगे? जो वीडियो देख रहे हैं जो लोग बन के होगा की अब ऐसी स्थिति में कैसे बोले और कभी बोला भी नहीं होगा। माता जी जो लोग वीडियो देख रहे हैं बन के होगा क्या खाना आया ही खाना भाई सहायता करो भाई बाप की चिंता दूर हो जाए। बस यही बात है भाई तुम्हारा क्या कर सारा मार खन सारा तो जाना ने क्या कतर करता है नहीं मार कर देता मार सब्जी का जुगाड़ को ना तू उनका जुगाड़ को तो क्या कर रहा हूँ कर जा क्या बात है ना। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं बंद थे के बचाओ करो चाहो बुढ़िया कोई सहायता कर दे बुढ़िया। इकरामुद्दीन जी देखो भाई ये इनकी पीड़ा आ गई भाई थे भी पैर सुचाल कौन पाओ ठीक है परिवार भी पूरो भाई परेशानी में ही है माता जी की भी आंखों ने ये भी थोड़ा मदबूंद ही। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं अनुमीद है कि बस की भाई थारी सहायता करना विश्वास है? हाँ विश्वास है।
बन की खबर चाहूंगा मैं के बताऊंगा मेरी बेटी बाकी भी बेटी है जो मदद करती तो मेरी बेटी कर दे मेरी बेटी को रे वीडियो देख रही अकी बेटी है आई मदद करो अच्छा घर के मायने दो पल की सब्जी बगोनी भाई पिसो गोनी तो शादी तो दूर की बात है बहुत बड़ी बात है तो करेंगे भाई भाई देख रहे हैं ये वीडियो एक करेंगे शादी एक करेंगे मदद व्यवस्था कैसे कर पाओगा मतलब चिंता सताई जा रही चिंता तो है चिंता भी लेकिन अब थारी चिंता दूर हो रही है हाँ चिंता दूर हो रही है भाई भरोसा था ना लोगों हाँ लोगों पर भरोसा है बिल्कुल है ना सब भरोसा देखो साथियों एक पिता ने अपनी बेटी के लिए आपके सामने अपील की है कि आप लोगों पे मुझे भरोसा है तो अब आप लोग पहले भी ऐसे ऐसे परिवारों का आप सहारा बनते आए हैं और ये पिता है मजबूर बेबस लाचार है ये तो इनका मैं बात करूँ तो आर्थिक जो संबल प्रदान करने के लिए इनका ये तो इनका धंधा है आप कल्पना कर सकते हैं इस युग में इनसे क्या होता होगा अंदर है हर घर में खुशी होती है लेकिन इनके आंखों में आंसू आप देखेंगे तो इधर इनके परिवार के जो भी लोग आए इनके परिवार के लोगों में आंसू है एक बार उनसे हम आपको मिलवाएंगे इनके घर की आपको दास्ता दिखाएंगे साथियों इस घर में 12 तारीख को शादी होने वाली है और इस घर की आप हालत देख सकते हैं क्या नाम रोमत क्या नाम आप मुमताज रोमत आप रो क्यों रहे हो माता जी देखो आपके घर में शादी है आप लोग रो रहे हो रोमत रोमत रो क्या लगते हो आप इसमें बुआ बुआ जी आपके भाई है इकरामुद्दीन हाँ भाई है आप कौन से शादी हुई हरियाणा आप शादी में यहाँ पे आए देखो बहना शादी में जब लोग आते हैं खुशी होती है आप सब लोग रो रहे हैं आपके भाई की स्थिति कमजोर है इसलिए आप चिंता मत करो बहुत आप कल्पना नहीं करेंगे लोग यहाँ पे इतनी लाइन लग जाएगी आपकी भतीजी है ना उसकी बहुत हंसी खुशी से शादी होगी आप इस चीज की चिंता मत करो आप रो मत आप दो दिन बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा आपके परिवार के पास देखिए इस परिवार की हालत आप देख सकते हैं इस घर में शादी है और ये माता जी रो रही है माता जी क्या नाम बता रहे अठी नाव थोड़ा अठी नाव आओ रो मत अठे जी आओ रो मत बहुत से लोग हैं थारी सहायता करेंगे चिंता मत करो दे मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनके आंसू आए ना उनके आंसू पूछने का काम कर रहे हैं अठे जी आओ अठे आओ क्या नाम बता रहे भाई बच्चे की शादी है बाकी क्या लागत अरे भतीजी आप दोनों बहन हो भतीजी ने चाची लाख अच्छा अच्छा मतलब बाकी चाची लाख होते हाँ रो रहे क्या होते हैं दुखी तो देखो दुख तो भाई है ही घर के अंदर जब दो पल की सब्जी नहीं जुटा पा रहे हैं वहाँ पे शादी के लिए लेकिन आप रो मत आप देखिए कैसी पीड़ा है मतलब भगवान भी जिस घर में शादी है वहां पे आंसू आ रहे हैं यार अब साथियों आपके पास एक जा रहा है मैं तो देखो ऐसे जैसे परिवारों से मिलता हूँ मेरे खुद के आंसू नहीं रुक पाते देखो मैं आपको सही बताऊं बात जहाँ शादी का आलम है वहां पे आंसुओं की कतार लगी हुई है साथियों आप पे मुझे भरोसा है आपने पहले भी ऐसे परिवारों में खुशियां देने का काम किया है आप कहते हैं कि यार आप हर कहीं जाकर आप आंसू निकल जाते हैं लेकिन करें तो क्या करें जब ऐसी स्थिति देखते हैं शादी का जीवन में एक ही बार पल आता है और उस पल में ये परिवार रो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस परिवार की हालत क्या होगी इस परिवार की स्थिति क्या होगी तब ये परिवार रो रहा है और ये आंसू दिखावट के नहीं है दिल से एक दर्द निकलता है कि भगवान हमें ही ऐसी पीड़ा क्यों दी इनका पूरा पूरा का पूरा परिवार आप देख सकते हैं ये विकलांग है बच्चे के पिताजी है बच्चे की माता जी है वो बदबूंद है भोली टाइप की है बच्चे की दादी है उनकी दोनों आंखों से वो अंधी है अब आप कल्पना लगा सकते हैं कर सकते हैं सिर्फ ये काम करते तो गधा गाड़ी से करते कोई सामान उतार लेता है और आज के जमाने में कहाँ भलाई का जमाना है सब बोलते कि भैया पैसा तभी देंगे तब मेरे घर पे सामान ला के धरेगा तब और ये गधा गाड़ी से जाते हैं लोग 5 रुपये 2 रुपये देते होंगे उनसे तो घर का खर्चा भी नहीं चलता इस युग में अब साथियों आपसे एक मेरा निवेदन यही रहेगा इस बहन को आप अपनी बहन मानेंगे बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी बेटी मानेंगे और ये साबित कर दोगे जिसका कोई नहीं है रखवाला उसकी हम है रखवाले और हम करेंगे धूमधाम से इस बहन की शादी साथियों मैं कॉन्टेक्ट नंबर इस परिवार का भी दूंगा फोन पे नंबर इस परिवार का भी दूंगा और मेरा फोन पे नंबर भी आपको दूंगा आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं इस बहन की शादी का एक ऐसा पल होता है जीवन में एक ही बार आता है उस पल में आप शरीक होकर ऐसी खुशियां भर दें कि ये बच्ची जिंदगी में याद रखें कि कोई आया था मेरा भाई बनकर और उन्होंने इतनी खुशियां दी है कि वो ऐसा फील नहीं कर पाए
कि मेरी शादी मतलब कमजोर हुई है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आई काम चाहो मुझे थोड़ी घड़ी सारो दो मारे टाबा के ब्याह हो जा कब आवस तर को बर्तन तर्तन के सामान तमान के पीसा कोड़ी हाथ हाथ जा बिल्कुल आई चाहूंगी। आप रो मत, मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूँ। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, आप उनकी चाची लगती हो बच्चे की, आप बच्चे की बुआ जी लगते हैं। और देखिए ये इनका पूरा घर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस मेरी बहना की इसकी शादी है, जिनका मेन घर यही है, यही इनका महल है, यही इनका सब कुछ है। और यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं, आज घर में टाइल होती है, मार्बल होता है, सब कुछ चमकते हैं, वहाँ पे इस घर के आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे अभी मिट्टी है। क्या करें, बेबस है, ऐसा नहीं है। और जिनके पास एक रुपया नहीं होता ना भाई साहब, उनकी देखो आप, मतलब उसको पता होता है कि रुपये की क्या अहमियत होती है। साथियों इनका महल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। एक बार बासु भी आप चर्चा कराऊंगा या परिवार की जो बाहर की स्थिति है बस देख रहे हैं। और समाज सेवी है नरेंद्र जी गढ़वाड़, ये भी अठे पूछे, एक बार आसु बातचीत कराऊंगा। नमस्ते। नमस्ते नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं भाई परिवार की स्थिति के बारे में, क्या जानते हैं? सबसे पहले आपके चैनल ग्रामीण मीडिया को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जिसने इस गरीब परिवार की और ये जो समस्या है इसको आम जनता के सामने रखने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो कि ये जो परिवार है इसकी स्थिति ये है, ये जो लड़की के पिता हैं विकलांग हैं, जो आजीविका का साधन है वो गधा गाड़ी है जी। इनकी जो माता जी हैं वो अंधी हैं और लड़की की जो माता है वो मंदबुद्धि है जी। जो इसकी इनकी स्थिति आज के दिन ये है कि बहुत दयनीय है जी। और 12 तारीख की शादी है परिवार, 12 तारीख की शादी जिस घर में हो वहाँ खुशियाँ होनी चाहिए जी। लेकिन इनके परिवार की आज के दिन हालत ये है कि मातम सा लग रहा है जी बिल्कुल, कारण कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं जी। इसलिए ये लोग चल के मेरे पास आए कि कुछ मदद करो जी। मैंने कहा बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन हमारे मित्र हैं उनको हम बुलाएंगे और जनता के सामने ये बात रखेंगे, तो हो सकता है उनके जो दर्शक हैं हमारी जो जनता है जी। वो इनकी मदद करेगी, तो इसलिए आपके जो भी दर्शक हैं देख रहे हैं, एक तरह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वो भी एक तरह की मदद है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और जितनी हो सके इस भाई की मदद करो ताकि अपनी जो बेटी है उसको 12 तारीख को उसकी विदाई हंसी खुशी के साथ कर सके। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो देखिए साथियों, पूरे परिवार से मैंने आपको रूबरू करवाया है और यहाँ के जो गांव के ग्रामीण जो लोग हैं इनसे भी मैंने आपको रूबरू करवाया। साथियों बस एक यही कहना चाहूँगा, एक तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस परिवार का फोन पे नंबर मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा, जितना ज़्यादा हो सके 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये कोई कुछ नहीं होता, हम वैसे भी खर्चा कर देते हैं, एक बार इस परिवार को डाल के तो देखो कितना बरकत होता है आपके धंधे में, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में, जो भी कुछ है। साथी बस यही कहना चाहूंगा, इस बहन के जीवन में हमें खुशी देनी है, जिंदगी का एक पल आता है शादी का, उस पल अगर ये खुशी से खुशी घर से विदा होगी तो इनके माँ बाप की चिंता है वो भी दूर हो जाएगी।